दोस्तों, इंडक्शन कुकर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पर ये फुली डेड है, इसे ऑलरेडी एक बंदे के द्वारा रिपेयर किया गया है। अब इसमें किस सेक्शन को छेड़ा गया देखिए, यहाँ पर देखिए दो सेक्शन है। एक आपका IGBT का सेक्शन है जिसके लिए ये वाला फ्यूज आपका इस बोर्ड पे लगा रहता है, और एक रहता है आपका SMPS सेक्शन जिसके लिए यहाँ पर ये वाला फ्यूज रहता है रेजिस्टेंस की फॉर्म पे। अब यहाँ पर देखिए, जो ज़्यादातर इसमें जो IC लगती है वाइपर 12A लगती है, तो यहाँ पर जिस बंदे ने इसको रिपेयर किया इसमें 22A डाली हुई है। अब यहाँ पर ये IC ठीक है या फिर ख़राब है इसमें हमें अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले इस वाले सेक्शन को हमने चेक करना है, यानी कि IGBT को हमने चेक करना है कि इसमें कोई शॉर्टिंग वॉर्टिंग तो नहीं है, ये सब हमने चेक करना होगा क्योंकि इसके डेड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने बजर की रेंज पे सेट कर लिया है, तो देख सकते हैं बजर की रेंज पे हमारा सेट है। अब यहाँ पर सबसे पहले IGBT की तीनों लेग पे हमने शॉर्टिंग वगैरह आ रही कि नहीं ये सब चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, वैल्यू भी बिल्कुल बता रहा है एक्यूरेट। अब यहाँ पर गेट और कलेक्टर को चेक करता है, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो IGBT बिल्कुल ठीक है और डायोड तो बिल्कुल ठीक ही होगा क्योंकि यहाँ पर जो जिसमें प्रॉब्लम थी SMPS सेक्शन से थी, जिसमें IC लगी थी वो फट चुकी थी। अब यहाँ पर वो पता करना है कि इसमें 12A लगेगी या फिर 22A। तो सबसे पहले हमने इस IC को निकालना ही पड़ेगा क्योंकि जिस बंदे ने इसको रिपेयर किया उसमें 22A डाल दी है। अब यहाँ पर इस IC को खोलने के बाद हम चेक करेंगे। और एक चीज़ है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये देखिए, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर कट करी हुई है, हो सकता है यहाँ पर शॉर्टिंग वगैरह आ रही हो इसलिए उस बंदे के द्वारा इसको कट कर दिया गया है। अब जब तक हमारा SMPS आपका ओके नहीं होता तो इसका डेड का सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर इस IC को निकालना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसी IC को हम निकालते हैं। और दोस्तों, इंडक्शन रिपेयरिंग की एक सीरीज मैं तैयार कर रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत टाइम से मैंने इंडक्शन का काम बंद किया हुआ था लेकिन बहुत सारे लोगों की जब कमेंट्स आना स्टार्ट हो गई तो अब इंडक्शन का काम भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो उसकी एक सीरीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ, जो जो इंटरेस्टेड होंगे वो ज़रूर मुझे कमेंट करना, उनको मैं अच्छी तरीके से इंडक्शन का जो रिपेयरिंग का पूरा जो एरर वेरर जो भी प्रॉब्लम आता है वो सब आपको सॉल्व करना बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर जो हमारा, वैसे तो आपको मैं फ्री में ही सब चीज़ें सिखाऊंगा, इसके लिए कोई हम पैसा वगैरह चार्ज नहीं करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कंटिन्यू अगर चैनल पे बने भी रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे चैनल पर आपको सीखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी IC निकल चुकी है, तो चलिए IC को निकाल के हम यहाँ पर वाइपर 12A को लगाएंगे। और यहाँ पर वैसे इंडक्शन के बोर्ड पर साफ साफ लिखा भी रहता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर कितने नंबर का लगेगा, ज़्यादातर इंडक्शन के बोर्ड पे लिखा होता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं, बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, इसमें 22A लगा के रखी हुई है, वाइपर 22A जो कि हमारे DTH बोर्ड पर लगती है। और इसके मदर बोर्ड पर आप देख सकते हैं वाइपर 12A यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसमें 12A लगेगी, ठीक है। तो चलिए 12A लगा के ही हम देखते हैं पहले। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी IC हैं 12A और 22A, क्योंकि मैं इसी का काम ज़्यादातर करता रहता हूँ, तो इस इन IC को अपने पास हमेशा रखना चाहिए। और यहाँ पर चलिए मैं ढूंढता हूँ, उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कहाँ पर है। तो यहाँ पर वो IC मिल चुकी है, वाइपर 12A, कैमरा बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहा, देखिए वाइपर 12A जैसे कि उस बोर्ड पे लिखा था बिल्कुल जस्ट वैसा इस IC पे भी लिखा हुआ है। अब IC का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, यहाँ पर एक U का कट आप देख रहे हैं, आपको फिर से फोकस करवा दूँ, जो लोग नहीं जानते वो देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए U का कट यहाँ पर लगा हुआ है नीचे डायग्राम पे, वैसा ही एक IC के ऊपर भी एक कट लगा रहता है, उन दोनों कट को हमने एक ही पोजीशन में रख के मैच करना है। तो ये देख सकते, ये कट है, तो उस कट को और इस कट को हमने मैच करके एक ही पोजीशन में रखना होगा। तो चलिए यहाँ पर एक IC की लेग टेढ़ी हुई है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के समय बहुत सारी IC यहाँ पर मेरे पास ख़राब भी आ जाती हैं, टूटी फूटी भी आ जाती हैं, तो इसलिए ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर इसको हम टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोनों की पोजीशन मैंने बिल्कुल सेम कर ली है। तो चलिए फिर यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। और दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार कर लेना, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ और आपको नए नए तरीके से और बहुत सिंपल तरीके से, नया नया नहीं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा भी लाइक करके सपोर्ट नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और जो आपको ये चीज़ यहाँ पर सीखने के लिए मिल रही है, ज़्यादातर आपको पैसे देके भी सीखने के लिए नहीं मिलेगी इस तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको सिखाता हूँ।
इसलिए आप लोग थोड़ा सा लाइक करके सपोर्ट करना, ना तो आपसे मैं पैसा चार्ज कर रहा हूँ, ना तो आपसे मैं कोई ऐसा फी वगैरह के लिए कोई ऐसा कोर्स बना रहा हूँ, तो फ्री में सिखा रहा हूँ, तो आपका सपोर्ट भी मिलना ज़रूरी है, तब जाके हमें नया नया काम करने में मोटिवेशन भी मिलेगा और नया नया काम आपको हम सिखाते भी रहेंगे। तो चलिए फिर यहाँ पर इस IC को मैंने लगा लिया है, और एक चीज़ है यहाँ पर इसके जो प्रिंट हैं उनको क्लीन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर शोल्डरिंग के बाद जो यहाँ पर आपका गंदगी आ रही है इसे क्लीन करना ज़रूरी है। अब इसके लिए आप पेट्रोल या फिर क्लीनर का यूज, वैसे पेट्रोल का यूज़ करते हैं तो पेट्रोल बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, जैसा कि मेरा अभी तक का अनुभव है, ठीक है। क्लीनर भी है मेरे पास, क्लीनर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता है, क्लीनर कहीं पर गंदगी की जगह छोड़ देता है, इसलिए यहाँ पर पेट्रोल से क्लीन करना मुझे बेटर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो फ्यूज़ यहाँ पर लगा हुआ है यानी कि रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसको हम पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि जिसने यहाँ पर रिपेयर करा उसने ही फ्यूज़ यहाँ पर इंस्टॉल किया है, हो सकता है फ्यूज़ यहाँ पर या भी ठीक हो या फिर ख़राब हो। हाँ फ्यूज़ ठीक है, ठीक है, 20-21 ओम्स का यह फ्यूज़ है। तो चलिए फ़िलहाल हम इसे टेस्ट करने के लिए यहाँ पर इसको ऐसे ही लगा लेते हैं, बाद में हम जोड़ लेंगे। अभी फ़िलहाल हमें इंडक्शन को वैसे ही चेक करना है, तो यहाँ पर फ़िलहाल ऐसे करना, बाद में मैं इसको चेंज कर लूँगा अपने हिसाब से, और यहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर इसके सारे कनेक्शन मैं जोड़ लेता हूँ, इसकी पोजीशन ऐसे थी, और यहाँ पर ये जो सेंसर है यहाँ पर लगा हुआ था, फ़ैन लगा हुआ था इस जगह पे, यहाँ पे आपका मेन मदरबोर्ड था, मतलब जो बटन पैनल है उसका। तो चलिए फिर पहले इसको हमने सीरीज में चेक करना है, उसके बाद बटन पैनल को लगा के चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग आ रही है। अब ये शॉर्टिंग किस वजह से आ रही है ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो शॉर्टिंग आ रही है किस वजह से आ रही है सबसे पहले हमने चेक करना है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर होता है ये कॉइल के साथ अटैच होता है, इसलिए यहाँ पर आपको शॉर्टिंग टाइप की आपको लगेगी, इसलिए कैपेसिटर आप कॉइल की एक लेग को हटा दीजिए, कॉइल के आपने एक लेग को हटा देना है, तब जाके आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं हटा देता हूँ। तो कॉइल की एक लेग हमने हटा दी है, अब यहाँ पर उस कैपेसिटर पर हमने शॉर्टिंग चेक करनी है, तो अब कोई शॉर्टिंग नहीं आएगी क्योंकि उस समय कॉइल की वजह से शॉर्टिंग आ रही थी। अब यहाँ पर एक बार डायोड भी चेक कर लेंगे, क्योंकि डाउट यहाँ पर मुझे डायोड का भी लग रहा है, डायोड पे कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। तो ये जो शॉर्टिंग है आखिर किस सेक्शन की वजह से आ रही है ये कन्फर्म हमें करना है। तो ये भी ठीक है, ये भी हमारा ठीक ही है। तो शॉर्टिंग जो आ रही है, एक बार हम यहाँ पर जो कैपेसिटर है SMPS सेक्शन में जो कैपेसिटर हैं उन्हें हमने चेक करना है, यानी कि जो यहाँ पर हमें कैपेसिटर मिलते हैं इनको भी एक बार हमने चेक करना है कि इनमें तो शॉर्टिंग नहीं है किस वजह से, ठीक है। ये ठीक है, ये भी यहाँ पर ठीक है, और वाइपर 12 है, इसमें तो शॉर्टिंग नहीं है कहीं, हो सकता है ये भी शॉर्ट होगी लगाने तक। वैसे यहाँ पर कोई शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा, इसमें शॉर्टिंग इशू तो नहीं आ रहा। तो शॉर्टिंग है तो किस सेक्शन पे है, यहाँ पर, एक मिनट, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जली हुई है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पर जली हुई है, एक बार इसकी वैल्यू चेक करता हूँ। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस देखिए, इस जगह पे एक रेजिस्टेंस जली हुई है, इसे तो हमने निकालना ही है। उससे पहले इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग चेक कर लेते, क्योंकि हो सकता है शॉर्टिंग हो इसी वजह से। ये देखिए इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है, तो इस कैपेसिटर पे शॉर्टिंग आ रही है, तो इसका मतलब है या तो फिर ये कैपेसिटर शॉर्ट है या तो फिर आगे कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। तो या हो सकता है माइक्रो कंट्रोलर तो ख़राब नहीं हो गया, एक मिनट, यहाँ पर या तो ये जीनर ख़राब है या तो ये कैपेसिटर ख़राब है। तो इस वाले जीनर में देखते हैं, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही है। अब ये तीनों ट्रांजिस्टर को भी एक बार लगे हाथ हम चेक कर लेते हैं, तो इन तीनों ट्रांजिस्टर को भी एक बार चेक कर लेते हैं, इन ट्रांजिस्टर में कोई शॉर्टिंग, एक मिनट, हाँ कोई शॉर्टिंग इश्यू नहीं है। अब जो डाउट मुझे लग रहा है, या तो फिर ये आपका इस जीनर का, या फिर जो 41-47 यहाँ पर जीनर डाउट है, या ये या फिर एक कैपेसिटर। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस जीनर को ही हटा देते हैं, ठीक है, तभी हमारा शॉर्टिंग कन्फर्म हो पाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक लेग में डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ से इसकी एक लेग है,
तो इसे हमने डिस्कनेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो चलिए तभी कंफर्म हो पाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक लेग डिस्कनेक्ट हो चुकी है जीनर डायोड की। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर जीनर डायोड को हमने चेक करना है सबसे पहले। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये जीनर डायोड भी हमारा ठीक है। तो शॉर्टिंग है तो किस कम, एक बार इस ट्रांजिस्टर को भी लगे हाथ चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब हमने रिपेयर करना है तो बिल्कुल कंप्लीट इसको रिपेयर करना है, कहीं पर हमने इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो कारीगर का काम होता है बिल्कुल रिपेयर करने का होता है, तो इसको हमने रिपेयर करके ही वीडियो को एंड करना है। भले आपको वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर बुरी, आप देखेंगे तो सीखेंगे। अब इस कैपेसिटर को भी एक बार मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस कैपेसिटर को भी मैं एक बार निकाल लेता हूँ और इस पॉइंट्स पे हम शॉर्टिंग जो भी रहेगी वो चेक कर लेंगे। इस कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया है, अब यहाँ पर इसे हम चेक करेंगे। इस कैपेसिटर को हम चेक करेंगे तो ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, इसको रखते हैं साइड पे। और इस वाले ट्रांजिस्टर को भी हमने चेक करना है एक बार, इस वाले ट्रांजिस्टर को भी एक बार हमने चेक करना है। तो ये ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, ये ट्रांजिस्टर की इन दोनों लेग यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है। तो एक बार इस ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद इधर पर हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। ठीक है, इस ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा तो इसकी दोनों लेग शॉर्टिंग बताएंगी, वरना यहाँ पर इधर पे ये बोर्ड का ये पॉइंट शॉर्ट बताएगा। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर को मैंने हटा लिया है, अब ट्रांजिस्टर को हमने चेक करना है। ठीक है, या उससे पहले इस पॉइंट को चेक कर लेते हैं। तो अभी भी यहाँ पर ये शॉर्टिंग बता रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम हमारा मदरबोर्ड में ही है। कंपोनेंट्स के से यहाँ पर कोई भी ऐसा शॉर्टिंग इशू नहीं आ रहा है। तो एक बार हम क्यों ना डायोड को चेक कर लें, डायोड को भी चेक कर लेते हैं। डायोड से भी कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये डायोड भी नहीं बता रहे, ट्रांजिस्टर को भी, इस वाले ट्रांजिस्टर को भी चेक करेंगे। इस ट्रांजिस्टर में भी कोई ऐसा शॉर्टिंग इशू नहीं आ रहा है। तो जो भी आ रहा हमारा, जो एक मिनट इसमें चेक करते हैं, ये भी ठीक है। तो ये जो शॉर्टिंग आ रही इन दोनों पॉइंट से आ रही है, तो ये दोनों पॉइंट्स कहाँ से कनेक्टेड हैं, यहाँ पर, और दूसरा आपका जा रहा है यहाँ पर, ये जा रहा है आपका इधर और यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है आपका दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो रेजिस्टेंस जली हुई है उसे एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है, उसे एक बार हम निकाल लेते हैं तभी हमारा कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो ये शॉर्टिंग का इशू आ रहा है, जो जो हमें कंपोनेंट ख़राब लग रहे हैं उसी को हम पहले हम हटा देंगे। तो इस रेजिस्टेंस को पहले हम हटा देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो इस रेजिस्टेंस को चलिए हटा लिया है, अब यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे, जिस पॉइंट से हमने ट्रांजिस्टर निकाला था उसको हम चेक करेंगे। यहाँ पर अभी भी आपका शॉर्टिंग इशू आ रहा है। तो जो प्रॉब्लम है आपका, एक बार इस पॉइंट को हम ट्रैक करते हैं इधर, और यहाँ से आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक रेजिस्टेंस लगी हुई है और रेजिस्टेंस जा रही है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ चेक कर लिया, लेकिन शॉर्टिंग का बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा कि शॉर्टिंग किस कंपोनेंट से आ रही है। अब लास्ट में हमें क्या करना है, इस माइक्रो कंट्रोलर आईसी को निकाल लेना है और इन पॉइंट्स पे फिर शॉर्टिंग चेक करनी है, तब जाके आपको कन्फर्म हो पाएगा कि यहाँ पर शॉर्टिंग किस सेक्शन से है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है, देखिए यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही है तो बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पर सारे कंपोनेंट मैंने चेक कर लिए। अब यहाँ पर इस आईसी को ही हमें निकालना है, उसके बाद यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करनी है। अगर फिर भी शॉर्टिंग आ रही है तो समझ लीजिए फिर हमें डीप तरीके से एक एक करके सारे कंपोनेंट चेक करने होंगे। उससे पहले इस आईसी का ही हमें डाउट लग रहा है, तो इसको ही हमने पहले चेक करना है, यानी कि चेंज करके, मतलब निकाल के देख लेना है कि इन पॉइंट्स में अब भी शॉर्टिंग आ रही कि नहीं। तो चलिए फिर जल्दी से मैं इस आईसी को बाहर निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इस आईसी को मैंने डिसोल्डिंग कर लिया है, अब इसे बाहर निकाल के उस पॉइंट्स पे हम जो शॉर्टिंग आ रही थी वो दोबारा से हमने चेक करनी है। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट को चेक करते हैं, तो देखिए अब यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, उस कैपेसिटर के पॉइंट पर भी कोई शॉर्टिंग नहीं है, इसका मतलब यही आईसी आपकी ख़राब है। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, अगर ये आईसी होगी तो इसको डाल के आपको दिखा दूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो मैंने ट्रांजिस्टर और यहाँ पर कैपेसिटर निकाला था उसको मैं उस जगह पर लगा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आईसी का प्रॉब्लम सामने आया है। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जली हुई है इसकी वैल्यू एक्यूरेट आ रही है, ये मतलब थोड़ा सा जली हुई है, कंप्लीट नहीं जली हुई है, मतलब बाहरी बार का इसका कवर जला हुआ है यहाँ पर शॉर्टिंग आने की वजह से। जैसे कि यहाँ पर ये है 2K,
2K की है, मतलब इसका जो वैल्यू है वहाँ पर आप देख सकते हैं 2K बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। तो रेजिस्टेंस ओके है, बस जो ख़राब है ये आपकी माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, ठीक है। यहाँ पर इस आईसी को हमने लगाना है, अगर होगी तो लगा लूँगा, नहीं तो इसका सेकेंड पार्ट आपको दे दूँगा। बाकी आपको इसके फॉल्ट के बारे में मैंने एक्यूरेट बता दिया है कि इसमें फॉल्ट क्या है, तो ठीक है ऐसे आपने चेक करना है। आईसी को निकालने के बाद अब कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही उन पॉइंट्स पे। तो यहाँ पर ये आईसी मेरे पास नहीं है और मुझे यहाँ पर आईसी को ख़रीदने के लिए जाना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो का मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि फॉल्ट किस सेक्शन से आया है, यानी कि आईसी का ख़राब होने की वजह से ये फॉल्ट यहाँ पर आया है। अगर आपके पास ये फॉल्ट आता है तो इस आईसी को आप चेंज कर लो, आपका फॉल्ट का सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वेट करना इस वीडियो के दूसरे पार्ट का। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लाइक दिस वीडियो।